आज केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन 2019 के नाम से बिल लाया गया था और बिल लाने के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में पारित कराया गया। इसमें इस बिल में प्रावधान लाया गया कि भारत के अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, अगर वो भारत में आना चाहते हैं या जो यहाँ शरणार्थी के रूप में है तो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसमें मुस्लिम को छोड़ करके। यही से मामला विरोध में हम लोग हैं कि भाई यहाँ पर जो भारत का संविधान है आर्टिकल 14 में कहा गया है, यहाँ पर समानता का कानून है जहाँ पर लिंग, जाति, भेद और धर्म के नाम पर नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसमें प्रावधान लाया गया है कि धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है तीन देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, मुस्लिम को छोड़ करके उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर जो कैब के नाम पर बिल लाया गया था जो अब नागरिकता संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं, इस अधिनियम पर विरोध देश में जितने भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं, संविधान का जो रक्षा करने वाले लोग हैं, आज पूरे देश में इसका विरोध कर रहे हैं।